हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर अपना व्यू शेयर करने जा रहा हूं। हम अगले ट्रेडिंग डे के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टॉक्स लेके आएंगे, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट लेवल्स, कब हम बाइंग करके जा सकते हैं, कब हम स्टॉप लॉस रखेंगे, क्या हमारा टारगेट रहना चाहिए, इन सभी पॉइंट को मैं कवर करूँगा इसके अंदर। और क्यों हम बाइंग कर रहे हैं उस बात पे भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमारा आज का स्टॉक्स है विमला लैब्स। रीजन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये जो पैटर्न जहाँ पे यह आज क्लोजिंग हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए इस पॉइंट पे इसने पिछले तीन बार तक क्लोज कर दिया है। तो क्लियर है कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है यह वीक हो चुका है। और हम कब बाइंग करेंगे, जब यह इस लाइन को ब्रेक करता है तब, ब्रेकआउट के बाद हम आज के हाई के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। आज के हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न है काफ़ी बार तक इस लाइन को इसने रिटेस्ट किया हुआ है रेजिस्टेंस के रूप में। और जो वॉल्यूम है आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी शानदार वॉल्यूम जनरेट होते हुए आज हमें देखने को मिला है। तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है अगले ट्रेडिंग डे में, अगर आज के हाई को यह ब्रेक करता है ऊपर लेवल में तब। तो हमारा बाइंग प्राइस होगा 271.50 रुपये के ऊपर, या इसी प्राइस को आप ले सकते हैं, क्योंकि आज का जो हाई बना है वह है इस स्टॉक्स के ऊपर 271.40 रुपये का। तो इसीलिए मैंने 271.50 रुपये यहाँ डाला है कि इसके ऊपर हम बाइंग करेंगे या इसमें बाइंग करेंगे। हम अपना स्टॉप लॉस दोस्तों बहुत हम छोटा ही रखेंगे, बहुत छोटा, 50 पैसे या 1 रुपये का आप ले सकते हो। मैंने यहाँ 50 पैसे का ही रख दिया कि हम जैसे ब्रेक करेगा हमको प्रॉफिट ही आना चाहिए, जहाँ लॉस दिखे हम कट करेंगे, हमको लॉस पे रहना ही नहीं इसमें। अगर टारगेट मिलता है हमारा, तो हमारा टारगेट 276 से 280 का होगा, क्योंकि एक बहुत ही फास्ट मूवमेंट आएगा और 280 का टारगेट हमको आराम से मिल जाएगा, बड़ा भी हो सकता है। यहाँ से यह वापस 290 या 300 के लेवल्स तक भी जा सकता है। तो हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में स्टॉप लॉस को हम प्रॉफिट को बुक करते जाएंगे, लॉस का खतरा हमको नहीं उठाना है इसमें। अगर यह होल्ड करता है तो हमको अवॉइड करना है ट्रेड। अब हम देखेंगे कौन से कंडीशन हम इसको बाइंग नहीं करेंगे। काफ़ी लोग होते हैं जो गैप अप के ऊपर काम करते हैं, जैसे यह गैप अप हो जाता है, मान लेते हैं 274 के ऊपर, या 274 या 273 या 275 इस आसपास से यह गैप अप होता है। गैप अप होने के बाद वापस से ब्रेकडाउन आएगा, नीचे की ओर प्राइस आता है, रिजेक्शन होता है और इस पॉइंट पे आता है और मिलता है प्राइस उनको 271 का। तो उस पॉइंट पे काफ़ी लोग बाइंग कर लेते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना, आपको बाइंग नहीं करना, अवॉइड करना है। अगर गैप अप हो जाता है इस रूप प्राइस से 271.50 रुपये के भाव से 1 रुपये भी ऊपर अगर गैप अप हुआ तो हमको अवॉइड करना है ट्रेड, करेक्ट। अब हम देखेंगे बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया, मान लेते हैं कि 265 रुपये या 260 रुपये इस आसपास के नीचे से गैप डाउन हो जाता है, तब भी हमको अवॉइड करना है। गैप डाउन होने के बाद यह जाएगा तो फिर उसके पास टाइम नहीं रहेगा और काफ़ी चल चुका रहेगा अगर ऊपर जाता भी है तो इन सभी कारणों से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गैप डाउन होने के कारण। अगर यह स्टॉक ओपन होता है ऊपर के लेवल्स, इस लेवल के नीचे 271.50 रुपये से लेकर उसके नीचे 265 रुपये का प्राइस, इस प्राइस, इस अभाव के बीच में कहीं पर भी ओपन होता है और ब्रेक करता है अपर लेवल में ऊपर की ओर, तब हम इंटर करेंगे बिना डरे। हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हम रखेंगे, 0 स्टॉप लॉस आप बोल सकते हो इसको। अगर हमारे फेवर में रहा मार्केट तो बड़ा प्रॉफिट दे जाएगा, और अगर नहीं रहता है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट करेंगे। यहाँ पे बहुत फास्ट मूवमेंट होने वाली है अगर यह पकड़ाता है तब। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं इसका रिजल्ट नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में क्या होता है। टेलीग्राम के चैनल पर मैं अपने
अपडेट करूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ अगले ट्रेडिंग डे में अगले एक नए स्टॉक्स के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।